हेलो एवरीवन। देखिए, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बारे में। दिस इज द नेक्स्ट मेथड बाय व्हिच वी कैन सॉल्व वेरियस काइंड ऑफ बीम्स। ठीक है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, ये एक डिफरेंट मेथड है स्लोप डिफ्लेक्शन की तरह ही, जिसकी थ्रू हम लोग कंटिन्यूअस बीम्स को सॉरी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम लोग कंटिन्यूअस बीम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसका और एक नाम है, वो नाम है हार्डी क्रॉस मेथड। ठीक है, हार्डी क्रॉस मेथड, क्लियर? हार्डी क्रॉस या तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या तो हार्डी क्रॉस मेथड। ठीक है, ये जो भी मेथड है, ये आपका मेथड फाइंड आउट किया गया था 1932। ठीक है, 1932 या सन में फाइंड आउट किया गया था। अब मैं बता रहा हूं क्या क्या करना है। पहला स्टेप है, देखिए इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है, स्टेप्स ऑफ स्टेप्स हाउ टू सॉल्व या एनालाइज, हाउ टू एनालाइज, हाउ टू एनालाइज बीम्स बाय यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, कैसे हम लोग एनालाइज करेंगे? स्टेप नंबर वन जो है, स्टेप नंबर वन में हम लोग फाइंड आउट करेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। जैसे हम लोगों ने स्लोप डिफ्लेक्शन में फाइंड आउट किया था, वैसे ही यहाँ पे भी स्टेप नंबर वन में हम लोग फाइंड आउट करेंगे फिक्स्ड एंड मोमेंट। स्टेप नंबर टू में मैं फाइंड आउट करूंगा रिलेटिव स्टिफनेस। सेम जैसे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, उसकी तरह ही रिलेटिव स्टिफनेस फाइंड आउट करूंगा। लेकिन एक चीज आप लोग को याद रखना है, रिलेटिव स्टिफनेस का जो वैल्यू है के से हम लोग डिनोट करते हैं, के इज इक्वल टू आइडर आई बाई एल होगा, या तो के इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ आई बाई एल होगा। कब क्या होगा मैं बता रहा हूं। देखिए आई बाय, जैसे एक मैं एग्जाम्पल परपास से ले रहा हूं, ठीक है, ये एक बीम है, इसके बीच में बहुत सारे सपोर्ट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे सपोर्ट्स हैं। अब अगर ये बीम देखा जाए रिलेटिव स्टिफनेस में, अगर रिलेटिव स्टिफनेस का जो वैल्यू है, अगर मैं बीसी का फाइंड आउट करूंगा, पहले मुझे सेंटर वाला सपोर्ट के बारे में बताने दीजिए। बीसी वाला सेंटर स्पान है, सीडी सेंटर है, लेकिन आउट टू आउट कौन सा है? ये एक आउटवर्ड स्पैन है और ये वाला एक आउटवर्ड स्पैन है। अब बाकी जितने भी सेंटर के स्पैन है उनके लिए रिलेटिव स्टिफनेस का वैल्यू हो जाएगा आई बाई एल वैल्यू, लेकिन जो आउटर स्पैन्स है उनमें हमें ये देखना है, अगर लास्ट वाला स्पैन जैसे यहाँ पे एंड वाला स्पैन जो है वो है आपका हिंज, मतलब हिंज है, या तो अगर हिंज होगा या तो अगर रोलर होगा तब हम लोग को यूज करना होगा 3/4 आई बाई एल। लेकिन जैसे डीई में क्या है, लास्ट वाला सपोर्ट फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स सपोर्ट अगर हो तो आई बाई एल यूज करना है, और अगर हिंज या रोलर हो तो 3/4 टाइम्स ऑफ आई बाई एल यूज करना है, और बाकी सेंटर के सपोर्ट्स में हमेशा ही आई बाई एल यूज करना है। मैं और एक बार एक दूसरा टाइप ऑफ एग्जाम्पल से मैं आप लोग को समझा देता हूँ अच्छी तरह कि कैसे करना है। ठीक है, जैसे एक मान लीजिए एक बीम है, ये एक बीम है जिसमें फिक्स सपोर्ट है और दोनों ही तरफ फिक्स सपोर्ट है, सेंटर में हिंजेस है। ठीक है, तो अगर मैं रिलेटिव स्टिफनेस फाइंड आउट करूंगा सी डी ए टू बी का रिलेटिव स्टिफनेस, बी सी का रिलेटिव स्टिफनेस और सी डी का रिलेटिव स्टिफनेस, तो तीनों के लिए ही क्या होगा आई बाई एल होगा, आई बाई एल, आई बाई एल और आई बाई एल होगा। क्यों होगा? क्योंकि
लास्ट के दो सपोर्ट्स फिक्स्ड है तो आई बाई एल ही वैल्यू होगा और बाकी सेंटर में आई बाई एल होते ही है। लेकिन मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे फिक्स बना रहा हूँ और यहाँ पे लास्ट वाला जो सपोर्ट्स है उसमें मैं हिंज बना देता हूँ, ठीक है, अब होगा क्या, पहले वाला स्पैन के लिए आई बाई एल होगा, इसके लिए भी आई बाई एल होगा, लेकिन इसके लिए बन जाएगा 3/4 टाइम्स ऑफ आई बाई एल बिकॉज इसमें रोलर है। सिमिलरली मान लीजिए मैं बना लेता हूँ एक कंटिन्यूस बीम जिसमें दोनों तरफ हिंज हो, ठीक है, दोनों ही तरफ हिंज हो, तो इसके लिए बनेगा 3/4 टाइम्स ऑफ आई बाई एल बनेगा। इसके लिए तो सेंटर वाला स्पैन के लिए आई बाई एल ही होगा और साथ में इसके लिए भी होगा 3/4 टाइम्स ऑफ आई बाई एल, ठीक है। तो इस तरीके से हम आप लोगों को याद रखना है कि लास्ट वाला जो सपोर्ट है उस सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है और बाकी जो सेंटर के स्पैन है उसके लिए हमेशा ही आई बाई एल होगा, ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है रिलेटिव, पहला स्टेप हो गया स्लो फिक्स्ड एंड मोमेंट, दूसरा स्टेप हो गया रिलेटिव स्टिफनेस जो कि इस तरीके से फाइंड आउट करना है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के लिए। उसके बाद तीसरा स्टेप में आप लोगों को फाइंड आउट करना है स्टेप नंबर 3 में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तीसरा जो स्टेप होता है उसमें आप लोगों को फाइंड आउट करना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। जैसे एक बीम मान लीजिए, जैसे ये एक बीम है, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है, ये एक बीम है, इस बीम में चार नोटेशंस है ए बी सी डी, चार जॉइंट है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर उसी जॉइंट का होगा जिसमें दो मेंबर या दो से अधिक मेंबर जुड़े हुए हैं। अगर ए पॉइंट को देखा जाए तो ए ही मेंबर है, बी पॉइंट को देखा जाए तो बी टू ए एक मेंबर है, बी टू सी दोनों तरफ एक मेंबर, यहाँ एक ही मेंबर है, यहाँ दो मेंबर है। अगर सी पॉइंट को देखा जाए सी टू बी एक मेंबर, सी टू डी दूसरा मेंबर, फिर से यहाँ दो पॉइंट, और अगर डी को पॉइंट को देखा जाए डी टू सी सिर्फ एक ही है। तो इसका मतलब है जॉइंट बी और जॉइंट सी में ही डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा, क्योंकि अगर कोई चीज हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो दो आदमी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन एक आदमी को कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो दिस इज द रीजन व्हाई जॉइंट बी और जॉइंट सी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम लोग जॉइंट बी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर लिखते हैं, कैसे फाइंड आउट करना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जॉइंट बी का अगर है तो कैसे लिखेंगे, इस तरफ ए टू बी है, दूसरे तरफ है बी टू सी, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ बी टू ए इज इक्वल टू रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ बी टू ए, जिसका है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है उसी का रिलेटिव स्टिफनेस लिखना होगा, उसके बाद बी टू ए प्लस रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ बी टू सी दोनों का, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी टू ए का हो गया है, नेक्स्ट बी टू सी का फाइंड आउट करेंगे। बी टू सी का है तो के ऑफ बी टू सी इक्वल टू के ऑफ बी टू सी प्लस के ऑफ बी टू ए, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट किया। ऊपर वैल्यू लिखना है जो कि फाइंड आउट कर रहे हैं वही वैल्यू हमें ऊपर लिखना है, उसके बाद बाकी दोनों तरफ का लिखना है, इस तरफ का भी और इस तरफ का भी वैल्यू लिखना है, ठीक है, दिस इज दिस। और अगर मैं दोनों वैल्यू को सम अप करूं तो ऊपर के के बी प्लस के ना के ऑफ बी ए प्लस के ऑफ बी सी हो जाएगा, नीचे भी के ऑफ बी ए प्लस के ऑफ बी सी, तो दोनों वैल्यू मिला के हमेशा 1 आना चाहिए। सामने अगर डी ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फ्रॉम बी टू ए प्लस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फ्रॉम बी टू सी दोनों मिला के 1 आना चाहिए, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर कभी कोई जॉइंट में वैल्यू 1 नहीं आ रहा है इसका मतलब समेशन करके, इसका मतलब गलत है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की समेशन हमेशा ही 1 बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करना है। सिमिलरली जॉइंट सी के लिए भी मुझे फाइंड आउट करना होगा, जैसे जॉइंट बी के लिए मैंने फाइंड आउट किया वैसे ही जॉइंट सी के लिए भी मुझे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3 या 4। स्टेप 4 में मैं फाइंड आउट करूंगा, स्टेप 4 में मैं करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। फाइंड आउट करने के बाद बनेगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल।
मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बैलेंसिंग जो ये टेबल है, इस टेबल में यार बैलेंसिंग होगा यार, बैलेंसिंग एंड कैरी ओवर, यार बैलेंसिंग एंड कैरी ओवर विल ओकर, बैलेंसिंग और कैरी एंड बैलेंसिंग और कैरी ओवर यहां पे होगा, और फाइनल बेंडिंग मोमेंट और जो फाइनल बेंडिंग मोमेंट है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बाय द हेल्प ऑफ दिस मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो इतने ही स्टेप्स था मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और एक बात प्लीज, किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को एंड लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बता सकते हैं कि अगर जिस पॉइंट में भी डाउट है मैं इसको क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, क्लियर, ठीक है, थैंक यू।